महानगर उद्योग व्यापार समिति से संबंधित संगठन वाराणसी ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन द्वारा 1000 पैकेट दवा की किट व पूर्वांचल रियल एस्टेट एसोसिएशन द्वारा 50 पीस ऑक्सीमीटर वाराणसी जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा को राइफल क्लब के प्रांगण में समर्पित किए गए। इस अवसर पर जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने संगठन द्वारा समाज सेवा में संगठन की भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि आज के वर्तमान समय में कोरोना महामारी में अपनी चरम सीमा पर है और इस समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा करना पुण्य का काम है, जो कि महानगर उद्योग व्यापार समिति द्वारा पिछले वर्ष से किया जा रहा है। संगठन के आह्वान पर व्यापारियों द्वारा स्वैच्छिक घोषणा से प्रतिष्ठानों की बंदी से वाराणसी में कोरोना के मरीजों की संख्या में कमी आई है, यह अपने आप में एक उदाहरण है। सभी व्यापारियों द्वारा जिला प्रशासन और जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा का कोटि कोटि धन्यवाद दिया गया। इस मौके पर प्रमुख रूप से वाराणसी ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन से UR सिंह, राजीव गुप्ता, कुशाग्र अग्रवाल, महानगर उद्योग व्यापार समिति से अध्यक्ष प्रेम मिश्रा, महामंत्री अशोक जायसवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुज डिडवानिया, राधे गोविंद केजरीवाल, उपाध्यक्ष सोमनाथ विश्वकर्मा, रजनीश कनौजिया, कोषाध्यक्ष मनीष गुप्ता, युवा अध्यक्ष मनीष चौबे, निर्मल उपाध्याय, हृदय गुप्ता आदि लोग उपस्थित थे। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ये डेड बॉडीज का जो प्रकरण है ये सामने आया था। हमने इसका घाटों से क्रॉस चेक करवाया था। पिछले दिनों में जब घाटों पे अंतिम संस्कार ज़्यादा हो रहे थे, उस टाइम बहुत बड़ा हाइप क्रिएट किया गया था कि सभी घाटों पे इतनी ज़्यादा डेड बॉडी जल रही हैं कि आसपास के जिलों से जो डेड बॉडीज वाराणसी आती थी उन्होंने अपनी डेड बॉडीज यहाँ भेजनी कम कर दी। कल घाटों का क्रॉस चेक करवाया गया, कई मीडिया ने भी वहाँ पहुँच के बाकायदा वहाँ का अपडेट लिया, तो मणिकर्णिका घाट पे कई घंटों तक एक भी डेड बॉडी नहीं पहुंची थी। लोग जो लॉकडाउन है या बाकी यहाँ का जो परसेप्शन क्रिएट कर दिया गया है कि यहाँ बहुत डेड बॉडी चल रही हैं, उसकी वजह से यहाँ आने कम हो गए और उसी का परिणाम है कि हो सकता है कि आसपास के गांव में लोगों ने डेड बॉडी का क्रिमेशन पूरी तरह ना किया हो। हम लोगों से अपील करते हैं कि वाराणसी के घाट बिल्कुल सामान्य से भी नीचे डेड बॉडीज क्रिमेशन कर रहे हैं, कृपया करके यहाँ के जो परंपरागत घाट हैं वहाँ पे डेड बॉडीज लेके आएँ। किसी भी दशा में कोरोना का लॉकडाउन है या पार्शियल लॉकडाउन है, ये लोगों को डेड बॉडीज ट्रांसपोर्ट करने से नहीं रोकता है। आसपास के जनपदों से, आसपास के गांव से मेरी ये प्रार्थना होगी कि किसी भी तरह किसी की मृत्यु होती है तो अगर वो कोविड या कोविड सस्पेक्ट है तो हरिश्चंद्र घाट पे आएँ, और अगर वो सामान्य मृत्यु है तो मणिकर्णिका घाट पे आएँ। कोई प्रतिबंध वाराणसी में किसी का नहीं लगाया गया है। इसी के साथ 44 हमारे गंगा के गाँव हैं, पिछले 3 दिन से वहाँ पेट्रोलिंग करवाई जा रही है। पुलिस की पेट्रोलिंग के साथ साथ 5 ऐसे चिन्हित किए हमने स्थान जहाँ पे हमने स्टैटिक भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट की लगाई है, जिसमें रमना का गांव है, फिर हमारा सामने घाट के पास है, इसके बाद हमारा सराय मोहना है, फिर कैथी है, यहाँ पे हम लोगों ने स्टैटिक ड्यूटी लगाई है। नाविक लगाए हैं कि कोई भी डेड बॉडी किसी भी जगह से बहती हुई आए तो उसे रोकें और उसका ढंग से अंतिम संस्कार करें, अगर वो डिकम्पोज है तो उसको दफनाएं। तो कुल मिला के हमारे डिस्ट्रिक्ट में कितनी भी डेड बॉडी होंगी हम उसकी जिम्मेदारी से उसका क्रिमेशन कराएंगे। साथ ही इन सभी 44 गांव में बहुत बड़ी जनजागरूकता का अभियान छेड़ा गया है पिछले 3 दिन में कि कोई भी व्यक्ति अपनी डेड बॉडी को खुले में ना जलाए, ढंग से बाकायदा गांव का जहां शमशान गृह बना हुआ है वहां पे जाके डेड बॉडी को क्रिमेशन करें, और अगर कोई दूसरे धर्म के हैं तो धर्म के अनुसार उसकी परंपरा का निर्वहन करें। इसमें जो पुलिस के लोग हैं, जो हमारी निगरानी समिति के लोग हैं, तहसील और ब्लॉक के लोगों को लगाया गया है, इन गाँव में मीटिंग भी करानी शुरू की गई है 3 दिन से। सुजाबाद में जो प्रॉब्लम आई थी उसके बारे में सुजाबाद का जो एक शमशान गृह का साइट है उनके डोम लोगों को भी जागरूक किया गया है कि अधजली बॉडीज़ हैं वो गंगा में प्रवाहित ना करें, पूरी तरह बॉडी का क्रिमेशन करें। साथ ही शमशान गृह के अलावा भी कोई कहीं खुले में क्रिमेशन करता हुआ मिलता है तो उसको जागरूक करके शमशान गृह में शिफ्ट करवाएं। जो पहले व्यवस्था चलती थी कोविड से पहले वो लगातार चलती रहे, क्योंकि डेड बॉडीज़ का मामला है और इस पर राजनीतिकरण भी होता है, लोगों की शंकाएँ भी व्यक्त होती है। अधिकतर डेड बॉडीज जो प्रवाहित होती हैं लोग उसको कोविड से जोड़ के देखने लग जाते हैं, इसलिए बहुत संवेदनशील ये मुद्दा बन जाता है। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि घाटों का अध्यक्ष महानगर उद्योग व्यापार समिति आज का जो कार्यक्रम था ये हम लोग का अभियान है कि जिला प्रशासन को साथ लेकर के जिला प्रशासन का व्यापार मंडल सहयोग करेगा, उसी के परिप्रेक्ष्य में कल हम लोगों ने पुलिस कमिश्नर A. सतीश गणेश जी को हमने 1000 मेडिकल किट और ऑक्सीमीटर कल उनको दिया है। आज उसी के परिप्रेक्ष्य में महानगर उद्योग व्यापार समिति और ऑटो यूनियन
अरे ऑटो जो हमारा ऑटोमोबाइल एसोसिएशन, हम लोगों ने मिल करके आज जिलाधिकारी महोदय को 1000 कोविड मेडिकल किट और ऑक्सीमीटर की सप्लाई आज हम लोग ने यहाँ पर दी है, और कल हम लोग मंडली कमिश्नर को इतना ही किट और मेडिकल का जो भी सामान है उन लोग को देंगे। महानगर उद्योग व्यापार समिति जो है ये शुरू से व्यापार मंडल और सभी साथियों के सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है कि हम लोग अपने जिले के मरीजों को, अपने नागरिकों को हर तरह से हर संभव बचाने का प्रयास करेंगे, और उसी क्रम में ये हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें कि और भी जिला प्रशासन कोई ऐसी बात हम लोग के सामने लाएगा जिसमें हम लोग सहयोग करेंगे। ऑक्सीजन का भी सहयोग कर रहे हैं, सब चीज़ का सहयोग कर रहे हैं, उसी सहयोग के अंतर्गत ये आज का कार्यक्रम हुआ। अब तक कितने लोगों के आप मतलब वितरण किए हैं, किन किन अधिकारियों के आप दिए हैं? अभी हमने आपको बताया ना कि यह अभियान हमारा लोग का कल से शुरू हुआ। कल पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश जी को 1000 कोविड मेडिकल किट और ऑक्सीमीटर 50 पीस हम लोगों ने कल दिया है। आज उतना ही 1000 मेडिकल किट और ऑक्सीमीटर जिलाधिकारी महोदय को दिया है, और कल इतना ही ऑक्सीमीटर और मेडिकल किट कल हम लोग मंडली कमिश्नर महोदय को देंगे। उसके बाद अगर जिला प्रशासन और किसी चीज़ की डिमांड करता है तो हम लोग उसका भी प्रयास करने की।